हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 12 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ यहाँ पे आई है वो आई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम को लेके। देखो, इस बार के बजट में ये स्कीम मतलब लागू होने की बात है वो की गई थी। आप ये बोल सकते हो कि इस बार के बजट में इस स्कीम की घोषणा है वो की गई थी, तो आज से इस स्कीम को गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये भी कंटेक्स्ट है वह है कि प्रधानमंत्री जी हैं वो आज स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो शुरुआत है वो करने वाले हैं। देखो, इस स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट हमें, एक पहले फैक्ट तो ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन सी है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि इसमें जो भी काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है, स्टेट का वो इतना बड़ा योगदान नहीं है। अब देखो, इसकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा क्या इस स्कीम में वो भी हम देखेंगे। देखो, इस स्कीम का प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में जो वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, आपको पता है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो रोजगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही जॉब है वो करते हैं, जो कि आपको पता है कि जब से डिमोनेटाइजेशन आया था उसके बाद में काफी बड़ा नुकसान हुआ था इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली वो होता है जिसका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि कोई आया, मान लो कि किसी ने अपने घर में ही झाड़ू बनाने का बिजनेस खोल लिया छोटा सा, या फिर कोई घर पे टोकरी बना रहा है, कुछ इस टाइप के जो बिजनेस हो गए, जैसे कि कोई लोग ईंट भट्ठे पे काम कर रहे हैं। तो ये टाइप के जो बिजनेस हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, कि भाई इनको कोई फॉर्मल वे नहीं है, इनको गवर्नमेंट कोई रेगुलेट नहीं कर सकती। एक लिमिट के बाद कुछ गाइडलाइंस होती हैं, बट एक लिमिट के बाद इनको रेगुलेट नहीं कर सकते, ना ही इनके लिए कोई सैलरी वगैरह का प्रॉपर प्रावधान होता है कि इतनी सैलरी दी जाएगी, अगर नहीं दे तो क्या एक्शन है। केवल डॉक्यूमेंट्स में तो होता है कुछ हद तक, बट बाकी रियल लाइफ में इनका कुछ नहीं होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। इसी के साथ वो वर्कर्स जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से कम हो मंथली, मतलब जो वर्कर जिसकी सैलरी 15,000 रुपये कम से, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ ही उस पर्सन की एज वो 18 से 40 साल के लिए होनी चाहिए। कि भाई साहब, जो भी आदमी या पर्सन, वैसी बात नहीं है ओनली फॉर मेल, मेल और फीमेल सभी के लिए स्कीम है वो है। होगा क्या इसमें, इस स्कीम में होगा कि जिस पर्सन की एज 18 से 40 साल के बीच में है वो मंथली गवर्नमेंट को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर 18 साल का ही कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको मंथली 55 रुपये गवर्नमेंट को पे करने होंगे और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। ये ध्यान रखना, जितना पैसा जो इंडिविजुअल पर्सन पे करने वाला है कंट्रीब्यूशन में, उतना ही सेम इक्वल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि किसी पर्सन ने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया मंथली, तो गवर्नमेंट भी उसको 100 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये पैसा उस पर्सन को 60 साल तक देना है, और इसके बाद में 60 साल में जो ही रिटायरमेंट आप बोल सकते हो कि एज नहीं होगी काम करने की, या उस एज में आदमी काम नहीं कर पाता, तब उसको मिनिमम 3,000 रुपये की पेंशन है वो दी जाएगी मंथली। ये इसमें फैक्ट प्रावधान किया गया है। इसी के साथ इसमें एक प्रावधान ये है यहाँ पे कि जो वर्कर इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है वो गवर्नमेंट की कोई पुरानी स्कीम का लाभार्थी नहीं हो, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम थी उसका लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही जो इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसका लाभार्थी ना हो, और इसी के साथ ही जो ईपीएफ होगा, इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से किसी ऐसी स्कीम का फायदा नहीं उठा रहा हो और वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा हो। ऑब्वियसली जिसकी इनकम 15,000 से कम हो, इनकम टैक्स कहाँ से पे करा, तो वही पर्सन इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब बात क्या है, 60 सालों तक किसी भी पर्सन को अपना कंट्रीब्यूशन करना है, 18 साल का पर्सन है उसको मिनिमम 55 रुपये करने हैं, और जो आदमी बाद में थोड़ा लेट ज्वाइन करता है तो उस हिसाब से इसका प्रीमियम वो बढ़ जाता है, और सरकार भी ये ध्यान रखना इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है। इसी के साथ जैसे ही 60 साल पूरी हो जाएगी तो मिनिमम 3,000 रुपये की पेंशन है वो दी जाएगी। अगर उसकी डेथ हो जाती है इन केस, तो जो उसका स्पाउस है मतलब हस्बैंड, उसका जीवन साथी है, उसको उसकी हाफ पेंशन है वो मिलेगी, मतलब 1,500 रुपये उसको पेंशन है वो मंथली मिलेगी। ये इस स्कीम के प्रोविजन है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अनऑर्गेनाइज या अनइनफॉर्मल सेक्टर के लिए स्कीम है। अनऑर्गेनाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर भी जिसे हम कह सकते हैं, उसी के लिए स्कीम है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे क्रायोडार्कन बोरिस के बारे में, है क्या। देखो, अभी साइंटिस्ट को एक जीवाश्म है, एक अवशेष है वो मिला है, तो उसी को लेके न्यूज है वो आई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्रायोडार्कन बोरिस थे, ये बेसिकली जो डायनासोर पीरियड था उस टाइम के एक प्रजाति है जो कि उड़ती थी, मतलब एक तरह की पक्षी की प्रजाति है जो कि उस टाइम पे उड़ा करती थी। लगभग बताया जा रहा है किसके जीवाश्म से,
कि 250 से 300 केजी के आसपास वेट होता था और 10 मीटर तक किसकी हाइट होती थी, मतलब वो पैर लेंथ होती थी पंख वगैरह की, तो ये उड़ता था। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है छोटा सा कि भाई यूपीएससी में भी पूछ लें। डिस्कवर कहाँ पे किया गया है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली इसका नाम दिया गया है गेंट फ्लाइंग रेप्टाइल, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा है जानवर है जो उड़ने वाला रेप्टाइल है जो कि उड़ता है। नाम इसका आपने यहाँ पे देख लिया, क्रायोडोर्कन बोरिस। अब देखो बात ऐसी कि उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रजाति थी ये बेसिकली 77 मिलियन ईयर एगो जो आज के टाइम पे वेस्टर्न कनाडा है उस वाले रीजन में पाई जाती थी, क्योंकि वहां पे इसके अवशेष मिले हैं। देखो वहां पे 30 साल पहले भी एक डायनासोर पार्क है जिसमें अल्बर्टा अल्बर्टा नाम की जगह पे है वो डायनासोर पार्क, वहां पे भी अवशेष मिला था इसका, और अभी वापस एक दो अवशेष हैं वो और मिले हैं। तो बेसिकली नई स्टडी ये बताती है कि भाई जो ये स्पीसीज है जिसको बेसिकली टेरासोर, इसमें पी साइलेंट रहते हैं यहाँ पे, टेरासोर का मतलब ये होता है कि वो रेप्टाइल जो कि मेजोरिक टाइम पीरियड गया, मतलब जिस टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे पे उस टाइम पीरियड गए हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पे टेरासोर। तो उसी को लेकर न्यूज आई है। ये ध्यान रखना ये मेमल्स थे और ये ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में रहते थे नॉर्मली, और इसी के साथ ये छोटे डायनासोर लिजार्ड्स वगैरह को छिपकली वगैरह को ये खा के जीवन यापन करते थे। तो ये अवशेष ध्यान रखना अल्बर्टा में कहाँ पे, मेनली वेस्टर्न कनाडा के हिस्से में भी इसकी डिस्कवरी को लेकर न्यूज वो आई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम को लेके। देखो जो मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट तब इम्प्लीमेंट करती है जब स्टेट की रिक्वेस्ट होती है, कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि भाई साहब आप इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कीजिए। क्यों कीजिए, उसकी भी कंडीशन होती है। पहले तो हम देखते हैं कि स्कीम है क्या, तब हमें अच्छे से समझ में आएगी। देखो गवर्नमेंट है वो प्लान ये कर रही है, अभी कंटेक्स्ट के साथ बताता हूँ कि 12 लाख मेट्रिक टन जो एप्पल है इस सीजन में, उनको अभी मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के तहत मतलब उनको खरीदा है वो जाएगा। नाम से आप देखिए मार्केट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट है वो जो मार्केट की प्राइस है उसमें इंटरवेंशन हस्तक्षेप करके खरीदने वाली है। देखो होता क्या है कई बार जब जो हॉर्टिकल्चर या फिर जो फ्रूट्स वाली फसल है, ये ध्यान रखना मेनली किसके लिए है, पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चरल कम्युनिटीज। पेरिसेबल आइटम वो होते हैं जो कि जल्दी कंज्यूम करने के लिए होते हैं, अदरवाइज खराब हो जाते हैं। तो पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चर के जो आइटम्स है ना, उनकी मार्केट में या तो प्राइस बहुत कम हो गई हो या फिर उनका प्रोडक्शन पिछले साल की जो एवरेज के प्रोडक्शन था उससे 10% ज्यादा हो गए हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि या तो प्रोडक्शन है वो 10% इंक्रीज हो गया हो, या फिर जो रेट है मार्केट की वो 10% डिक्रीज हो गई हो नॉर्मल ईयर की कंपेरिजन में। मतलब नॉर्मल जैसे मान लो कि सेव की रेट 100 रुपये रहती है मार्केट में, अब या तो इस बार सेव मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो सेव के फार्मर्स बागान मालिक हैं उनको लॉस हो जाएगा, या फिर ये मान लो कि मार्केट में सेव की रेट सस्ती होगी तो उस कंडीशन में भी उनको लॉस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हस्तक्षेप करती है इस कंडीशन में। पहले स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप ये चीज़ें प्रोक्योर कीजिए क्योंकि अदरवाइज हमें नुकसान है वो हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस चीज़ों को प्रोक्योर करती हैं, और जो भी इसमें घाटा होता है ना उस 50% घाटे को दोनों वहन है वो करती हैं। ये ध्यान रखना कि जितना भी घाटा हो रहा है लॉस हो रहा है तो 50% तो उसको स्टेट वहन करेगा और 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शेयर करती है, मतलब दोनों घाटा इक्वल शेयर करती हैं स्टेट और सेंटर। और इससे फायदा क्या होता है, जो किसान होते हैं या जो फार्मर्स हो गए उनको नुकसान नहीं होता है, उनकी फसल जो की तो बचेगी रह जाती है, उनको ज़्यादा घाटा झेलना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। देखो बात ऐसी है कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में अच्छे खासे जो फ्रूट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, आप बोल सकते हो कि एप्पल की खेती अच्छी हुई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे प्रावधान किया है कि भाई मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम लेके आई जाएगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होगी कम्योडिटी होगी उनको खरीदा जाएगा बम्पर क्रॉप्स के दौरान, और फिर उनको धीरे धीरे मार्केट में निकाला जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो गवर्नमेंट खुद झेलेगी, क्योंकि देखो मार्केट में एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट रेट भी इन बढ़ा सकती है। अगर मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए तो महंगाई बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर खरीद नहीं पाएगा, और अगर चीज़ें ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी तो जो किसान बेचने वाला उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो थोड़ा बहुत लॉस होता है वो गवर्नमेंट खुद वहाँ पर वहन है वो करती है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के द्वारा। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट था, कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि अभी गवर्नमेंट 12 लाख मेट्रिक टन एप्पल को प्रोक्योर करने की बात है वो कह रही है, क्योंकि इस बार सीजन अच्छी खासी हुई है।
दूसरी बात ये स्कीम गवर्नमेंट पहले डिसाइड, गवर्नमेंट बताती है क्लियर कि भाई इसी स्टेट के फार्मर्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो सारे स्टेट्स के फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। केवल जो भी स्टेट्स इसके रिगार्डिंग कंसर्न है उन्हीं को ऊपर फोकस है वो किया जाता है। इसी के साथ ही जैसे कौन कौन सी फसलें होती हैं, मतलब पेरिसेबल आइटम्स में, जैसे एप्पल हो गए, किन्नू हो गया, गार्लिक हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पे ग्रेप्स हो गए, मशरूम हो गए, क्लो हो गए, ब्लैक पेपर हो गया, पाइनएप्पल, जिंजर, रेड चिलीज, कोरिंडर वगैरह, ऐसे इन चीजों के ऊपर स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट बॉडी के बारे में। हम देखते हैं क्या है। बेसिकली यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। देखो पहले इसके बारे में देख लेते हैं फिर हम आगे एक तरफ है वो चलते हैं, कंटेक्स्ट बाद में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है वो यूएन की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। नाम से ही पता चला यूनाइटेड नेशन आ गया तो मतलब यूएन के साथ काम है वो कर रही है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ काम है वो कर रही है। बेसिकली इसके दो काम है इंपॉर्टेंट हम बोले तो, नाम से दिख रहा है, एक तो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करती है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स हैं उनको लेकर काम वो करती है कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए, लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसी के साथ ही ह्यूमन राइट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके ताकि लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो। इसी के साथ ही भाई कहीं भी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कोने में अगर ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर उचित एक्शन लेने का काम है वो ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो दो काम है इसके, ये हमें ध्यान में रखना है। देखो ये जो बॉडी है इसका अभी जो रिसेंटली मीटिंग है 42 जो सेशन था, 41 सॉरी 42nd सेशन वो अभी जिनेवा में आयोजित है वो किया गया था। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो वहां पे सेशन को आयोजित है वो किया गया था। और इसी दौरान कंटेक्स्ट आप आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की तो वहां पे मामला कुछ नहीं बैठा, मतलब पाकिस्तान को फिर एक बार मार वो खानी पड़ी क्योंकि जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने क्लियर ये बोल दिया कि भाई ये मतलब बायलेटरल इश्यूज है, आप दोनों सोल्व करिए, इसमें कोई इंटरनेशनल इशू नहीं बनता। और ह्यूमन राइट वोलेशन का आरोप लगाया था पाकिस्तान ने इंडिया पे कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहे हैं, तो वो भी वो कुछ सिद्ध वगैरह वहाँ पे नहीं कर पाया। देखो स्टार्टिंग में जब ये बॉडी थी इसका नाम ये था ह्यूमन राइट कमीशन ऑन सॉरी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, बट बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया यूनाइटेड नेशन, आपको ध्यान में रखना है, ह्यूमन राइट काउंसिल इसका नाम चेंज है वो कर दिया गया था। तो खैर ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बट एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ही है, यूपीएससी यह पूछ सकती है कि जो यूएनजीए रिजोल्यूशन 60/251 ये किस रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना रिजोल्यूशन 60/251 जो है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का एक रिजोल्यूशन था। इस रिजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। तो यह फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब इस रिजोल्यूशन के तहत इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया है। देखो इस बॉडी की मीटिंग है वो नॉर्मली अगर हम बात करें तो साल में 3 बार इसकी बेसिकली मीटिंग है मोटी मोटी हो जाती है, जैसे कि एक तो मार्च के 4th वीक में होती है, एक जून के 3rd वीक में होती है और एक सेप्टेम्बर के 3rd वीक में होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है उसी को लेके यहाँ पे है। इसी के साथ ही इसका एक सेशन है वो जिनेवा में हर साल है वो तो होता ही होता है, और ये जो सारी मीटिंग्स हैं इसकी नॉर्मली वो सारी मीटिंग स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही होती हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है। तो देखो ये इतना नहीं ध्यान रखना, बस इतना देख लेना कि इसकी 3 मीटिंग साल में होती हैं जो कहाँ स्विट्जरलैंड में ही होती हैं। इसी के साथ ही और फैक्ट हम देखें कि जो इसके मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के सॉरी जो ह्यूमन राइट काउंसिल के, वो मेंबर बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, तो जनरल असेंबली है उसी से इलेक्ट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मेंबर एक बार इलेक्ट हो गया इसके लिए अगर वो वापस इलेक्ट हो जाता है, मतलब एक कोई भी एक मेंबर जैसे कोई भी एक कंट्री मेंबर, ये मान लो कि इंडिया इसका 2 बार लगातार मेंबर रह चुका है तो वो 3री बार इसका मेंबर नहीं बन सकता, ये आप ध्यान रखना कि लगातार 2 ही बार कोई कंट्री मेंबर बन सकती है, 3री बार इसके लिए एलिजिबल नहीं होती है। इसी के साथ ह्यूमन राइट काउंसिल में एक प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 5 रीजनल ग्रुप्स हैं इसके वो बने हुए हैं। और ये जो काउंसिल है इसमें 47th यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट हैं। इसी के साथ जो पर्सन हैं वो बाकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से डायरेक्ट और जो सीक्रेट मतलब बैलेट सिस्टम है उससे इलेक्ट किए जाते हैं। तो इन्हें कंप्लीट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जो फैक्ट्स है वो यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया है एसियान को लेके, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया को लेके, हम देखते हैं क्या है। देखो एक चीज आप क्लियर रखना, आसियान को आपको पहले रिपीट करवा देता हूँ, खैर हमने पहले काफी बार बताई है,
कि आसियान में या एशियान है इसमें 10 कंट्रीज आती हैं, जो कि आपको बताया कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अगर आसियान प्लस थ्री आता है तो उसमें तो आसियान प्लस थ्री में आती हैं आसियान की 10 कंट्री, और प्लस थ्री में आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगी चाइना, एक आ जाएगा जापान, और एक आ जाएगा आपका कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया बेसिकली। और अगर आसियान प्लस सिक्स आ जाए तो आसियान प्लस थ्री है, इसमें तीन और ऐड कर देना, कौन सी, इंडिया ऐड कर देना, प्लस ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देना, प्लस न्यूजीलैंड ऐड है वो कर देना, तो इसलिए कुल मिला के आसियान प्लस सिक्स है वो हो जाएगी। अब देखते हैं कंटेक्स्ट की तरफ। देखो जो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पहले साइन किया हुआ है, आपको पता होगा इंडिया और जो एशियन कंट्रीज हैं इसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 की जनवरी में, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपस में फ्रीली ट्रेड हो सके और जो बैरियर वगैरह उनको दूर किया जा सके। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि भाई इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब देखो इंडिया का ये कहना है कि भाई जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इंडिया के देखो कंसर्न ये है कि इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को नुकसान बहुत आ रहा है, इंडिया का जो आप बोल सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए इंडिया ने कहा है आसियान से कि भाई आप एक बार इसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि देखो इसमें हमें ज्यादा लॉस हो रहा है तो फिर क्या मतलब, भाई किसी भी कंट्री को लॉस नहीं होना चाहिए ना, एट मतलब प्रॉफिट हो तो दोनों को थोड़ा बहुत लॉस तो चल सकता है, बट ज्यादा लॉस क्यों। देखो कुछ फैक्ट आप यहाँ पे देखिए कि जो नीति आयोग है उसकी ने एक स्टडी ने बताया है कि 2011 में जो इंडिया का आप बोल सकते हो ट्रेड डेफिसिट था वो था 5 बिलियन डॉलर, वहीं 2017 में इंडिया का आसियान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 10 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हो कि 6-7 साल में डबल हो गया है, तो मतलब काफी चिंताजनक बात है कि भाई इंडिया के लिए नुकसान हो रहा है, इसीलिए इंडिया ने इस मतलब इस क्वेश्चन है वो राइज किया था। तो अभी आसियान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और आसियान कह रहा है कि भाई ठीक है रिव्यू करते हैं ताकि सभी कंट्रीज उसका प्रॉपर बेनिफिट है वो मिल सके। तो जो बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बेसिकली इंडिया और आसियान की जो 10 कंट्रीज है इन्हीं के बीच में साइन है वो किया गया है, ना कि आसियान प्लस थ्री वगैरह के साथ। अब यहाँ पर बात यह है कि आसियान के साथ इसमें ध्यान रखना है गुड्स एग्रीमेंट है उसी पर फोकस किया गया है, ऐसा फोक ध्यान दिया जा रहा है कि भाई यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सिंपल प्रोसीजर होनी चाहिए और ट्रेड फैसिलिटी है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो तैयार किया जा सके। ये इंडिया का हमने कंसर्न यहाँ पे देख लिया कि भाई इंडिया को प्रॉब्लम क्या है। तो वही मैंने आपको बताया कि 2010 में यह साइन हुआ था और इसका बेनिफिट क्या होता है। देखो जब भी दो कंट्रीज या किसी भी कितनी भी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि मैक्सिमम जो गुड्स हैं वो बिना किसी बैरियर के, बिना किसी आप बोल सकते हो ड्यूटी वगैरह के आराम से ट्रेड हो सकता है, मतलब उन पे जो ड्यूटी वगैरह है वो नहीं लगती है, ड्यूटी है वो फ्री हो जाती है, तो स्मूथली ट्रेड होता है, प्राइस ज़्यादा बढ़ती नहीं है, इसीलिए है वो बेसिकली साइन किया जाता है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि आसियान का जो डाटा है जो टू वे गुड्स ट्रेड होता है, मतलब बायलेटरल जो ट्रेड हो रहा है इंडिया और आसियान के बीच में, तो 2017 की बात करें तो इंडिया और आसियान के बीच का ट्रेड था वो था 73.6 बिलियन, और 2018 में यह बढ़ गया हो गया है लगभग 9.8% ग्रोथ रेट से बढ़ा है, अब यह बेल ट्रेड हो गया है वो लगभग हो गया 80 बिलियन US डॉलर के समथिंग। तो यहाँ पे एक डाटा आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है बासल बेन अमेंडमेंट बिकम्स ए लॉ, क्या ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बासल कन्वेंशन को जानते हैं। देखो तो बासल कन्वेंशन या बेसल कन्वेंशन बेसिकली यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट टाइप का है जिसका मोटो ये है कि जो ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट्स होती हैं हैजार्डस वेस्ट के। देखो होता क्या है, जो डेवलप कंट्री है ना बेसिकली हम बात करें ओईसीडी, एक सीनियर ये जो ओईसीडी या जो डेवलप कंट्री है ना जो क्रीम क्रीम है वर्ल्ड की, ये क्या करती हैं जो भी इनका कचरा होता है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो या और भी हैजार्डस वेस्ट हो गया, इस तरह के कचरे को क्या करती हैं ये जो गरीब कंट्री होती है ना उनके पास डंप कर देती हैं। तो भाई गरीब कंट्री एक तो वैसे ही गरीब है और अगर उसके एरिया में डंप करेंगे तो क्या होता है उनको काफी सारे नुकसान है वो झेलने पड़ते हैं। जैसे देखो आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जो US और UK जैसी कंट्रीज है ना इनके जो जहाज वगैरह खटारा जाते हैं एकदम खतरनाक हालत में, उनको क्या करते हैं ये बेसिकली बांग्लादेश में भेज देते हैं तोड़ने फोड़ने के लिए कि भाई यहाँ पे उनकी अगर काम हो जाए, मतलब यहाँ पे उनको तोड़ दिया जाए। आपको बता दूं कि जब भी कोई भी सिप वगैरह को तोड़ा जाता है ना तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन है वो फैलता है, खैर रोजगार मिलता है एक अलग बात है, बट पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है और काफी सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, काफी लोगों के जान माल का नुकसान भी देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से वहां के लोगों की लाइफ है वो काफी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे काम करती हैं बेसिकली डेवलप कंट्रियां जो कि इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है। तो इसीलिए बेसल कन्वेंशन साइन की गई थी कि भाई आप जो ये हैजार्डस वेस्ट है ना
जो इस चीज को दूसरी कंट्री के पास नहीं वेस्ट करोगे, मतलब डंप नहीं करोगे, अपने ही देश में उसका सोल्यूशन करो भाई, बाहर क्यों फेंक रहे हो। इसके लिए बेसिकली ये बेसल कन्वेंशन है वो आई थी, ये 1989 में आई थी और ये एक्टिव हो गई थी 1992 में। इसके भी 187 कंट्रीज मेंबर हैं। ये ध्यान रखना, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो इसके हजार्डस वेस्ट में इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करने के लिए अलग से सिस्टम है, वो रखा गया है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। अभी न्यूज ये आई है कि जो बासल कन्वेंशन थी ना, इसमें एक अमेंडमेंट की बात की गई थी जो कि काफी लंबे टाइम से पेंडिंग था। लगभग 1995 में अमेंडमेंट लाया गया था, बट अब जाके इसको रेक्टिफाई है वो किया गया है। इसके लिए कंडीशन ये रखी गई थी कि कम से कम 97 कंट्री अगर इस अमेंडमेंट को मतलब एक्टिव मान लेंगे या रेक्टिफाई कर देंगी, तभी यह एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अभी जो 97वीं कंट्री है जिसका नाम है यहाँ पे क्रोटेरिया, इस कंट्री ने इसको रेक्टिफाई कर दिया इस अमेंडमेंट बिल को, और अभी यह एक्टिव आ जाएगा 90 डेज के बाद। ये इसमें प्रावधान है वो किया गया था। अब क्या अमेंडमेंट क्या गया है वो हम देखते हैं। एक तो देखो इसमें अमेंडमेंट ये क्या गया है कि जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर दी गई है और थोड़े रूल रेगुलेशन टाइट किए गए हैं। ग्लोबल जो वेस्ट डंपिंग है उसको कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। इसी के साथ ही इसमें और जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी दी गई हैं कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे और भी तरह का हजार्डस से केमिकल वेस्ट हो, इन सबको आप कहीं भी किसी भी कंट्री के ऊपर डंप है वो नहीं कर सकते। अपनी कंट्री में इनका सोल्यूशन है वो कीजिए, खुले में भी आप इनको नहीं छोड़ सकते। बेसिकली जो बैन वर्ड है ना, ये बैन का मतलब आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि बैन क्या है। देखो बैन आपको बता दूं, यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अमेंडमेंट बिल को लाने की बात हो की थी, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा इस बिल को लाया गया था, इस बैन बिल को, तो इसीलिए इसका नाम है अमेंडमेंट बिल का नाम रख दिया गया था बेसल बैन अमेंडमेंट बिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बैन ऑर्गेनाइजेशन थी इसने ये कहा था कि भैया आप जो भी इस तरह के हजार्डस वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी हजार्डस वेस्ट को एक्सपोर्ट है वो नहीं कर सकते, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो या फिर कोई सिप वगैरह हो, खटार हो, या फिर और भी कोई तरह का उपकरण हो जिससे काफी ज्यादा पोल्यूशन फैल सकता है। कहाँ से कहाँ तक? जो ओईसीडी यानी कि जो डेवलप कंट्री है वो नॉन डेवलपिंग या नॉन ओईसीडी कंट्रीज की तरफ कचरा नहीं फेंकेंगे। उसी में थोड़ा आप बोल सकते हो अमेंडमेंट है वो क्या गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेक्स देखो आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में है वो प्रोवाइड करवाना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि बिस्केक डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है, यह आप बताइए। बिस्केक डिक्लेरेशन है क्या, यह आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 1990-90 जो टारगेट्स हैं वो कौन से डिजीज के लिए हैं। आपके सामने ऑप्शन है एड्स, H1N1, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भाई डेजर्टिफिकेशन को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडिया के बारे में, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया में ऑलमोस्ट क्वार्टर हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा है इंडिया की जो लैंड का, वो लैंड डिग्रेडेशन में शामिल है। इसी के साथ ही बात यहाँ पे की गई है कि इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन यानी कि डेजर्ट सॉरी इंडिया में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो है विंड इरोजन। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।